सॉरी, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही खुद खुद सर हो गए। इट्स ओके, बच्चे हैं अभी। लेकिन फारूक, आप लोगों ने उस बच्ची पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, कभी उसके साथ बैठ के बात नहीं की, उसको अच्छा बुरा समझाया ही नहीं। ये आप लोगों का फर्ज था। और अगर ये सब कुछ नहीं किया था तो फिर आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करें। आप ठीक कह रही हो तुम, ये मेरी ही गफलत का नतीजा है। समीरा के बाद मैंने मैंने यसरा को रायना के हवाले कर दिया। माजरत चाहती हूँ मैं, आप रायना की आजाद ख्याली को अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी एक नासमझ बच्ची को उसके हवाले कर दिया, क्यों? सच तो यह है कि समीरा की डेथ के बाद मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, खुद को काम इतना बिजी कर लिया ये सोच करके बड़ा इजी हो जाऊंगा, और फिर ये सोचता रहा कि यसरा घर में मेरी आंखों के सामने है, उसकी हर एक्टिविटी पर मेरी नजर रहेगी। लेकिन मैं गलत था। टीनेज बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है, वही तो उन्हें सिखाते हैं, उठना बैठना, लोगों से बात करना, मिलना जुलना, सब कुछ। और आपने उसी वक्त में उसे तन्हा छोड़ दिया। अब वो जिस सोबत में रहेगी वैसे ही बड़ी होगी ना, वही बन जाएगी। मामा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगी। अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो प्लीज मेरी खातिर से इग्नोर कर देना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उससे बात करोगी ना, वक्तन फवक्तन उसे समझाती रहोगी तो वो समझ जाएगी। तुम्हारी बातों में बहुत असर है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। आई विश कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं इसकी शादी करवा दूं इंशाल्लाह।